तो यहाँ पे देखिए नगेट्स। सभी मम्मी को ही मन करता है ना कि हम बच्चों को उसका पसंद का जो चीजें है वो खिला दें, वो खिलाए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बिरयानी हमारा बिल्कुल रेडी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? मैं हूँ पापिया, पापिया के चैनल में आप सबको फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक ब्लॉग बना रही हूँ और आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ 3:15 हो रहा है। तो चलिए टाइम भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, देखिए। और मैं नया साल में आज पहली बार घर पे बना रही हूँ गाजर का हलवा और बनाऊँगी रात को डिनर में बिरयानी। तो जितना हो पाएगा मैं उतना शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो आज श्रेया भी आ रही है हॉस्टल से और इसीलिए मैं सोचा कि आज थोड़ा सा घर पे कुछ बना लूँ उसका फेवरेट। तो शाम को मार्केट भी जाऊँगी, वो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज सैटरडे है तो सैटरडे के कौन सा मार्केट जाती हूँ, मैंने पहले भी उसका वीडियो बनाया था आप लोगों के साथ, शेयर भी किया था। तो देखती हूँ कितना आप लोगों के साथ मैं शेयर कर पाती हूँ, हो पाया तो मैं रात का जो डिनर है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स स्किप मत करना वीडियो को, पूरा देखिए अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी मैं हलवा बना रही हूँ, सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा करके वीडियो शेयर करूँ। वैसे भी मेरी आदत हो गई है, गाजर का हलवा बनाया था वो भी काफ़ी अच्छा था, टेस्टी था। लेकिन आज जो बना रही हूँ आज मैं घिस के बनाऊँगी। जैसे रेडी हो गया है, तो चलिए सर्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा हलवा रेडी है और कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में। तो फिर अभी श्रेया आ गई है तो उसके लिए कुछ बना लेती हूँ शाम का नाश्ता, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 4:20 हो रहा है तो खाना तो नहीं खाएगी, तो सोचती कुछ बना दो उसके लिए। और अभी मैं बनाऊंगी मैगी और नगेट्स पर है तो नगेट्स फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने नगेट्स लिए हैं और तेल रख दिया है गरम करने के लिए। तो तेल गरम हो गया है, सारे नगेट्स फ्राई करने के लिए रख दूँगी। और इसके लिए जो मैगी बना रही हूँ प्लेन मैगी बनाऊँगी, क्योंकि इसको ना मसाला वाला अच्छा नहीं लगता है, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह डालते हैं ना वो इसको पसंद नहीं है। पानी बॉइल करो और मसाला डाल दो। तो फिर मैं अभी नाश्ता बना लेती हूँ, फिर आप लोगों के पास आकर फिर से बात करूंगी। तो यहाँ पे देखिए नगेट्स रेडी हो गया है और मैंने टमाटर सॉस के साथ लिया है। और यहाँ पे मैगी, इसको बिल्कुल सिंपल मैगी पसंद है इस तरह। तो चलिए अभी मैं नाश्ता दे रही हूँ इसको, फिर आके बाद में बात करूंगी। तो फ्रेंड्स अभी मैंने एक सामान मंगवाया है श्रेया के लिए, तो सोचा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैंने उसके लिए मंगवाया है एक बॉयलर, तो एक बॉयलर जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी अनबॉक्सिंग है तो चलिए वो भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो मैंने ये वाला मंगवाया है, अंडा बॉयल हो जाएगा, इसमें खाना भी गर्म कर सकती है। तो चलिए खोल के देखती हूँ इसको। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह है, इसमें दो स्टैंड है, एक ये है एक नीचे। तो यहाँ पे पानी देना है और बस ऐसे स्टैंड रख देना है, इसके ऊपर अंडा बॉईल हो जाएगा। तो अगर कुछ भी जैसे सब्जी वगैरह गर्म करना चाहती है तो इसके ऊपर भी कोई डब्बा रख सकती है। इसके ऊपर भी अगर कोई सब्जी गर्म करना चाहते हैं ना, कोई डब्बे में जैसे सब्जी रख के अगर गर्म करना हो तो वो भी गर्म कर सकती है। तो बस डब्बा रख के इस तरह ढक्कन लगा दे और अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक लीड भी है, काफ़ी बड़ा लीड है और ये ऑटोमेटिक है,
यहाँ पे नहीं, ऑटोमेटिक बटन दे रखा है। तो फिर एक बॉयलर कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, और आप लोगों को बोला था आज सनी मार्केट जाऊँगी तो मछली वगैरह लेने, क्योंकि सनी पार्क को ना एकदम फ्रेश मछली मिलता है। तो चलिए घूम के आती हूँ और आप लोगों को भी घुमा के लाती हूँ। और बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसीलिए स्वेटर वगैरह अच्छे से पहन लिया, शॉल भी लेना पड़ेगा क्योंकि इतना ज़्यादा हवा चल रहा है ना। तो चलिए घूम के आते हैं। और आज मार्केट में और मेरे हस्बैंड दोनों जा रहे हैं, श्रेया घर पे रहेगी। बस आज जैसे आप लोगों को मैंने पहले बताया श्रेया आई है, तो इसीलिए आज काफ़ी दिनों के बाद मेरे घर पे बिरयानी बन रहा है। तो श्रेया को ना हॉस्टल में नॉन वेज नहीं मिलता है, तो इसीलिए सबका मन करता है ना मम्मी लोगों का कि कुछ अच्छा बना के खिलाओ, और उसका बहुत पसंद भी है बिरयानी, तो इसीलिए मैं सोचा कि आज बिरयानी बना लूँ। तो आज जो मैं बिरयानी बनाऊँगी ना तो पतीला में नहीं बनाऊँगी, तो सोच रही हूँ कढ़ाई में बना दूँ। और कढ़ाई में किस तरह बनाती हूँ चलिए वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बासमती चावल लिया है 2 ग्लास, और चावल को ना थोड़ा सा भून लेंगे। मैंने कोई भी ऑयल या घी कुछ भी यूज़ नहीं किया है, जैसे ऐसे सूखा चावल भून रही हूँ, तो थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे इसको। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा जो बिरयानी होगा ना वो एकदम छिला हुआ होता है, जैसे क्या बोलूँ, जैसे इस तरह फ्राई कर लेने से ना पहले, तो बहुत अच्छा बनता है बिरयानी। और मैं आज सोच रही हूँ कि हैदराबादी जैसे स्टाइल में बनाऊँ बिरयानी। और जिनके भी बच्चे बाहर रहते हैं ना, सबका मम्मी लोगों का मन करता है कि कुछ जो चीज़ उनको उधर नहीं मिलता है वो हम घर पर बना के खिलाएं उनको। सभी मम्मी को ही मन करता है ना कि हम बच्चों को उसका पसंद का जो चीज़ें है वो खिलाएं उनको। आज का जो बिरयानी का रेसिपी बताऊंगी ना एकदम सिंपल तरीका है, आसानी से मतलब बच्चे भी बना सकते हैं इसको। यहाँ पे मैंने कुछ खड़ा मसाला लिया है, गरम मसाला जो है। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल रख दिया है गरम करने के लिए, और तेल देखिए काफ़ी गरम हो गया है, तो सारे मसाला दे दूँगी इसमें। प्याज, प्याज तब तक भून लेंगे जब तक हल्का ब्राउन कलर नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्याज में हल्का कलर आ गया है। यहाँ पे मैं दे रही हूँ अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं दे रही हूँ टमाटर। मैं यहाँ पे मिक्सी का जो डब्बा है इसको धो के थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, जो हमारा मसाला है वो जल ना जाए। अब मैं इसमें दे रही हूँ चिकन मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, मैंने 1/2 चम्मच करके डाला है सारे मसाला। यहाँ पे मैं दे रही हूँ लाल मिर्च पाउडर,
सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसे दे दो नमक। जो टमाटर है वो जल्दी गल जाएगा। यहाँ पे मैं ढक के रख दूंगी कम से कम 5 मिनट के लिए, और गैस का सिम मैंने मीडियम टू लो पे रखा है। तो देखिए हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन गया है। तो यहाँ पे मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। सारे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैं दे रही हूँ बिरयानी मसाला, तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच भर के दिया है। और एक बार मिक्स करके गैस का सिम मैंने मीडियम टू लो पे रखूँगी और इसको ढक के रख दूँगी। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ दही, खट्टा दही। अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चावल दे और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एक बार इस तरह बना के देखो, बहुत बढ़िया बनता है। एक बार घर पर जरूर ट्राई करना। इस तरह गैस का सिम कम करके 1 मिनट के लिए इस तरह ढक के रख दूंगी। तो फिर 1 मिनट हो गया है। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ गरम पानी। मैंने 2 ग्लास चावल लिया था, यहाँ पे मैंने 4 ग्लास पानी लिया है। और एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नमक गरम मसाला पाउडर रख दूंगी। तो फिर आप लोगों ने तो देखा ही है मैंने कितना आसान तरीका बताया है। और इस तरह आप बनाओगे ना तो बच्चे भी बना सकते हैं, अगर बच्चे भी वीडियो देख रहे तो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है और इजी, एकदम सिंपल तरीका है जो झटपट बन जाता है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इस तरह बिरयानी बनाने में। तो फ्रेंड्स चलिए बिरयानी बन गया है, तो अभी मैं सर्व करके दिखाती हूँ। और आज मैं धनिया पत्ता का चटनी बनाऊंगी तो उसके साथ सर्व करूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बिरयानी हमारा बिल्कुल रेडी है, और रात का डिनर में हम बिरयानी। और यहाँ पे मैंने बनाया चटनी हरा धनिया का। तो देखिए इस तरह बना है। चलिए अभी मैं डिनर कर लेती हूँ, फिर आके आप लोगों के साथ बात करती हूँ। हाय बस। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने डिनर कर लिया है। तो आज मैंने पूरा कोशिश किया है शाम से लेकर रात तक आप लोगों के साथ पूरा वीडियो शेयर करूँ। और वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मेरे वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।